नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। और आज टेंस की सीरीज पूरी खत्म होने वाली है। और अगर आप लोग शुरू से इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आई एम श्योर कि आपको टेंस की जो पैकेजिंग है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल चुकी है। तो आज जो टेंस की सबसे लास्ट सीरीज है ना, जो लास्ट टेंस है, उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और आज हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम लोग इस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पूरे तरीके से क्लियर कर देंगे और इसी के साथ टेंस की समाप्ति भी हो जाएगी। और नए साल में फिर से नए उमंग और नए जोश के साथ हम लोगों को कुछ नया करने का मन में एक जुनून ठान लेना है। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको टच कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है। इस टेंस की पहचान है कि वाक्य में समय के साथ रहूंगा, रहूंगी, रहूंगे। देखिए, समय के साथ रहूंगा, रहूंगी, रहूंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब रहूंगा रहूंगी होगी तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सब सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं, मगर ये मेरे हिसाब से तो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रामर में बताया जा रहा है कि शैल और विल दोनों का यूज करना है, तो आपको एग्जाम में भी शैल विल का यूज करना है। आप ही खुद सोचो कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, आपको इंग्लिश बोलने आता है, बट आपने 10th का एग्जाम दिया या फिर आपने कोई नौकरी का फॉर्म भरा और उस पे एग्जाम दिया और वहां पे आपकी इंग्लिश में कम मार्क्स आए, तो कैसा लगेगा। बहुत सारे टीचर्स मैं देख रहा हूँ कि बोलते हैं कि बिना ग्रामर की झंझट में पढ़े अपने इंग्लिश बोलना सीखे। अरे भाई, ग्रामर झंझट नहीं है, ग्रामर एक रास्ता है जो कि सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलना है बल्कि आपको इंग्लिश सीखना है। तो आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन, फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। आई होप बच्चों कि आप लोग सिंस फॉर को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं फिर से थोड़े से मैं बता देता हूँ कि सिंस मतलब क्या। सिंस मतलब फिक्स्ड टाइम, जहां पे आपको समय की शुरुआत पता चले, समय का स्वरूप बात पता चले कि कब शुरू हुआ है समय, जैसे 2 बजे से 3 बजे से, सोमवार से, जनवरी से पता चलता है कि समय शुरुआत कब हुई है। बट वहीं पे बात कर ले अगर फोर की, तो समय का कोई निश्चित नहीं पता चलता है, कब आ रहा कब नहीं आ रहा। बुद्ध बोलता है ना, भाई हेलो, हाँ कितने देर में पहुंच रहा, बस पहुंच गए, कितना देर में, बस कुछ देर में पहुंच रहे, फोर लग जाएगा। यहाँ पे समय का निश्चितता नहीं पता चलता है, समय बैक की ओर जाता है, ठीक है। तो एक सेंटेंस मैं लिखा हूं, उसको थोड़ा नोटिस कीजिएगा। मैं दो बजे से किताब पढ़ता रहूंगा। बहुत बार बोलते हैं ना, अरे कब से खेल रहा है, कब पढ़ेगा, बस दो बजे से, मतलब कि कब, या फिर बहुत बोलते कब से पढ़ रहा है, कब खेलेगा या कब खाना खाएगा, तो 2 बजे से पढ़ता रहूंगा। कब तक पढ़ता रहेगा, चलो बस 2 बजे से पढ़ता रहूंगा। तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, आई के साथ आपको पता है शैल लगता है, शैल हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock, ठीक है। ये फॉर्मूला में पूरा बैठा देना है, ठीक है। आई सब्जेक्ट ग्रुप में आई लगा, शैल विल में शैल, हम लोग शैल विल में किसी एक को चूज करना था तो शैल को चूज किए, फिर हैव उतर गया सेम, बीन उतर गया जो था, वर्ब आईएनजी काम हो रहा पढ़ने का तो रीडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट भाई बुक है। अब 2 बजे से तो एकदम निश्चित है पता चल रहा है टाइम, तो सिंस 2 o'clock। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे कि मैं 2 बजे से किताब नहीं पढ़ता रहूंगा, किताब नहीं पढ़ता रहूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल, इसके बाद लग जाएगा कमांड, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। समझ आ रहा आप लोगों को, अगर रहे कि क्या मैं दो बजे से किताब पढ़ता रहूंगा, इस नहीं को अभी भूल जाइए, नहीं है, क्या मैं 2 बजे से किताब पढ़ता रहूंगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये जो शैल है ये यहाँ पे आगे आ जाएगा, ये शैल है ये आगे आ जाएगा, यहाँ से ये मिट जाएगा, शैल आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। और अगर रहेगा कि क्या मैं 2 बजे से किताब नहीं पढ़ता रहूंगा, अब
फोर नंबर है, एक सेंटेंस का छह बनता है आपको पता है, ये फोर नंबर है और इसको नहीं को लिख लेना, तो शैल आई और ये जो नॉट, इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, शैल आई नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock. अब आएगा क्या, मैं 2 बजे से किताब क्यों पढ़ता रहूंगा, क्यों पढ़ता रहूंगा, तो बस क्यों के लिए यहाँ पे वाई लगा देना है, वाई शैल आई, ये नो मिट जाएगा, why shall I have been reading books since 2 o'clock, और रहेगा कि क्या मैं 2 बजे से किताब क्यों नहीं पढ़ता रहूंगा, तो बस नॉट लग जाएगा। जो अगर आप लोग इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो 100% है कि मैंने इस तरीके से बताया फिर भी आपको बहुत इजीली तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपने वीडियो को कंटिन्यूटली नहीं देखा है, टेंस की सीरीज को कंप्लीट नहीं किया, तो शायद हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो, शायद नहीं बिल्कुल होगी, क्योंकि कुछ भी चीजों का कोई प्रोसेस होता है, खाने का भी प्रोसेस होता है, कि पहले दाल, चावल में दाल मिलाया जाता है, फिर सब्जी मिलाया जाता है, ऐसा नहीं रहता कि सब्जी पहले पूरा थाली में रहता है और कटोरी में चावल रहता है, तो सब चीज का एक जगह है, सब चीज का एक समय है कि उसको करना पड़ता है। जब टेंस की सीरीज आप देखोगे ना, तो आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर आप नहीं देखे तो टेंस की सीरीज को देख लीजिएगा, आपको ये समझ आ जाएगा। बच्चों आज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसी के साथ खत्म होता है, और अब से आप लोग बहुत मजेदार तरीके से, अब हम लोग जो स्ट्रक्चर चालू करेंगे ना पढ़ाने के लिए, वो बहुत मजा आएगा, और उसमें आई होप कि आप लोग बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। तो बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।